Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be sharing some mind blowing facts about Shakespeare. So let's get started. William Shakespeare was baptized on 26th of April, 1564. So people may guess that the date of birth is 23rd of April, 1564. But you know what? नो वन एक्जैक्टली नो कि शेक्सपियर का जन्म हुआ कब था शेक्सपियर नेवर वेंट टू यूनिवर्सिटी ही नेवर अटेंडेड यूनिवर्सिटी ही वेंट टू प्राइमरी स्कूल फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जहां पर उन्होंने लैटिन और ग्रीक सीखी अगर वो यूनिवर्सिटी गए ही नहीं तो एक और फैक्ट सामने आता है कि फिर किस तरह वो इतने बड़े बड़े मास्टरपीस प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि ऑर्थ हेलो रोमियो एंड जूलियट एंड मैनी मोर और इसी से एक और फैक्ट हमारे सामने आता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद शेक्सपियर कभी खुद लिखते ही नहीं थे शेक्सपियर के लिए शायद कोई और लिखता था और शेक्सपियर सिर्फ अपना नाम यूज करते थे शेक्सपियर के बारे में एक और फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो ये है कि मैरिड एट द एज ऑफ एटीन और उन्होंने अपने से आठ साल बड़ी औरत से शादी की जिनका नाम एन था और एन शादी के वक्त थ्री मंथ्स प्रेग्नेंट थी और शादी के छः माह बाद ही दे हैड अ डॉटर शेक्सपियर के तीन बच्चे थे और उनमें से जो पहली बेटी थी वो एन की बेटी थी और बाकी दोनों बच्चे जो थे वो एन और शेक्सपियर दोनों के बच्चे थे जो बाकी दो बच्चे थे देवर ट्विंस और शेक्सपियर एंड हिज वाइफ हैड थ्री चिल्ड्रन ऑफ थ्री चिल्ड्रन ओनली वन डॉटर हैड अ चाइल्ड एंड दैट चाइल्ड नेवर हैड चिल्ड्रन शेक्सपियर प्ले राइट ड्रामेटिस्ट और पोइट तो थे ही बट यू नो वट ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर उन्होंने बहुत सारे प्लेज મે બહોત સારી પરફોર્મન્સિસ દી અને ઉનહોને બહોત سارے પ્લેસ જો કે બેન જોન્સન કે تھے ઉનકો પરફોર્મ ભી કિયા શેક્સપિયર વોઝ એક્ચ્યુઅલી વેરી વેલ્ધી એન્ડ ઓન્ડ લોટ્સ ઓફ પ્રોપર્ટી બહોત સારી પ્રોપર્ટી થી ઉનકે નામ ઓર વો બહોત અમીર થે ઓર વો સિર્ફ राइटिंग का काम नहीं करते थे ही वॉज नॉट जस्ट अ प्ले राइट और अ ड्रामेटिस्ट बट ही वॉज ऑल्सो रनिंग बिजनेस साइड बाय साइड वो एक बिजनेस मैन भी थे और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और मरने से पहले उन्होंने वो प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों और अपनी वाइफ के नाम की थी एंड अदर माइंड ब्लोइंग फैक्ट जो कि यहीं से सामने आता है वो ये है कि उन्होंने मर मरते हुए अपनी वाइफ के नाम एक बेड किया था जिसको वो माई सेकंड ब्यूटीफुल लव बेड कहते हैं और उस बेड के बारे में यह कहा जाता है कि वो बेड ऐसा बेड था जहां पर शेक्सपियर और एन के तीनों बच्चों का जन्म हुआ और शेक्सपियर ने अपने आखिरी जो आयाम थे वो भी उसी बेड पर गुजारे थे और उस बेड को एन को देना जो था वो एक सिंबल ऑफ लव था द ओनली राइटिंग टू बी मोस्ट कोटेड देन शेक्सपियर इज द बाइबल शेक्सपियर जो है वो सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले राइटर हैं और शेक्सपियर से ज्यादा अगर कुछ कोट किया जाता है तो वो बाइबल के वर्सेस हैं शेक्सपियर लव्ड वर्ड्स एंड रेफरेंस स हंड्रेड टाइम्स इन हिज प्लेस और उनको डॉग से भी प्यार था और टू हंड्रेड डॉग रेफरेंसेज हैं वो हमें उनके प्लेस में मिलते हैं शेक्सपियर जो है ही लाइक टू मेक अप वर्ड्स एंड सम विच यूज टूडे सच एज आई बॉल उसके अलावा डिवेलप फिर ग्लो फिर चीप उसके अलावा फैशनेबल बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो कि शेक्सपियर ही ने हमें दिए हैं शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज को थ्री थाउजेंड वर्ड्स दिए ऑलमोस्ट और शेक्सपियर ने टोटल ऑफ फोर ट्वेंटी वर्ड्स जो हैं वो बनाए शेक्सपियर जो हैं उन्होंने जो वर्ड है लव उसको टू थाउजेंड टाइम्स अपने वर्क में यूज किया है और उसके जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट उसमें ये जो वर्ड लव है ये 150 टाइम्स यूज़ हुआ हुआ है उसके अलावा इस बात पर बिलीव किया जाता है कि टू जेंटलमैन ऑफ विरेना वॉज़ इज़ फर्स्ट प्ले उसके अलावा शेक्सपियर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका एक प्ले ऐसा भी था जो कि इंग्लैंड में परफॉर्म किया गया लेकिन उसके कोई रिकॉर्ड्स जो हैं वो अब हमें नहीं मिलते उसके अलावा उनका एक ही प्ले ऐसा है जिसकी सेटिंग इंग्लैंड में रखी गई है शेक्सपियर के अगर शॉर्टेस्ट प्ले की बात करें तो वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है और इसमें तकरीबन वन सेवन सेवन जीरो लाइन्स हैं और उनका जो लॉन्गेस्ट प्ले है अगर हम उसकी बात करें तो वो हेमलेट है और इसमें फोर ज़ीरो फोर टू लाइन्स हैं और हेमलेट के थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन वर्ड्स हैं और ये जो प्ले है हेमलेट इसके बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर नेम्ड हिज प्ले हेमलेट ओवर हैज़ सन हेमलेट ठीक है जो कि एलेवन ईयर्स की एज में फोर्थ हो गया था और उसी हेमलेट के नाम पर इस प्ले हेमलेट का नाम रखा गया है और वो जो है वो एक पेंडेमिक को सरवाइव नहीं कर सका था जबकि शेक्सपियर ने वो पेंडेमिक सरवाइव कर लिया था उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर ने पोइट्री या सोनिट्स का जो लिखने का काम था वो तब स्टार्ट किया जब पेंडेमिक आ गया और उनका जो थिएटर था वो बंद हो गया और कोई परफॉर्मेंसेस जो हैं उनके प्लेस की नहीं होती थी तो उस वक्त तो उन्होंने जो है वो आ, अपने सोनेट्स को जो है वो लिखना स्टार्ट किया था शेक्सपियर जो हैं उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो भी जो हैं वो इजाद किए और शेक्सपियर ने सिर्फ वर्ड्स ही ईजाद नहीं किए बल्कि ही केम अप विद मनी नेम्स एज वेल जैसे कि जैसिका इमोगन एंड ओलिविया उसके अलावा यूरस जो है यूरनस के ट्वेंटी सेवन मून होते हैं और ट्वेंटी फोर जो मून हैं उनका जो नाम है वो शेक्सपियर के करेक्टर्स पर रखा गया है शेक्सपियर ने सुसाइड के बारे में थर्टीन टाइम्स लिखा है और हमें शेक्सपियर के प्लेज में बहुत बार उनकी ट्रेजिडीज में स्पेशली सुसाइडल सीन्स जो है वो नज़र आते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो ऑर्थेलो की है और एंड पर आपने देखा कि और जो है वो सुसाइड जो है वो कमिट कर लेता है उसके अलावा शेक्सपियर जो हैं शेक्सपियर आपका अपना एक थिएटर था ठीक है और उस थिएटर के अंदर बहुत सारे प्लेस को जो है वो परफॉर्म किया जाता था और उस थिएटर के अंदर सन्डेज़ को कोई परफॉर्मेंसेस जो है वो नहीं दी जाती थी उसके अलावा वो जो थिएटर था उसमें परफॉर्मेंसेस थोड़ी डिफरेंट अंदाज में दी जाती थी डिफरेंट तरीक़ों से दी जाती थी फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जो है वो गोले और बारूद वगैरह जला कर, जो है वो फायर जो है वो प्रोड्यूस की जाती थी और उस थिएटर को इसी तरह की एक परफॉर्मेंस के दौरान आग लग गई थी और वो जलकर राख हो गया था और उसके दो साल बाद उसको जो है वो दोबारा से बिल्ट कर दिया गया था शेक्सपियर जो हैं वो एक ऐसे प्ले राइट हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद उन्होंने खुद कभी कुछ लिखा ही नहीं और ये कहा जाता है कि उन्होंने कुछ काम जो है अपने वो कॉन्ट्रीब्यूशन में भी जो है वो प्रोड्यूस किए थे उसके अलावा शेक्सपियर की लाइफ का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हमें कोई मालूम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उनकी बायोग्राफ़ी में वो जो ईयर्स हैं उनके लाइफ के उसमें हमें नहीं पता कि शेक्सपियर जो हैं वो कहाँ चले गए और शेक्सपियर जो हैं वो उस टाइम क्या किया करते थे ठीक है तो उन ईयर्स को शेक्सपियर की लाइफ के लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है उसके अलावा शेक्सपियर जो हैं उन्होंने बहुत सारे प्लेस हैं वो लिखे और परफॉर्म किए फॉर क्वीन एलिज़बेथ उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो एलिज़बेथन एरा से है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये क्वीन एलिज़बेथ के बाद इन्होंने अपने प्लेज लिखना शुरू किए तो ये कोबियन एज से जो है वो बिलोंग करते हैं उसके अलावा शेक्सपियर अपने नाम के जो स्पेलिंग्स लिखते थे वो स्पेलिंग्स भी हर जगह पर उन्होंने डिफरेंट लिखे और उनका कोई एक सिग्नेचर नहीं था उनके बहुत सारे सिग्नेचर्स थे और 80 डिफरेंट सिग्नेचर्स उन्होंने किए और उन एटी डिफरेंट सिग्नेचर्स में उन्होंने एटी डिफरेंट स्पेलिंग्स जो हैं वो अपने वर्ड uh, अपने नेम के लिखे और एक और बात आज हम जो स्पेलिंग्स यूज करते हैं उन स्पेलिंग्स में से उन स्पेलिंग्स को एक दफ़ा भी शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया अपने नाम को स्पेल करने के लिए उसके अलावा शेक्सपियर जो हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर ने कभी भी जो है वो यूनिवर्सिटी को जो है वो अटेंड नहीं किया और इस चीज़ ने बहुत सारे स्कॉलर्स को जो है वो इस इस चीज़ में मुबला कर रखा है कि वो इतने ग्रेट वर्क्स जो हैं वो किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके अलावा अंबिक पेंटामीटर में जो है वो शेक्सपियर जो है वो लिखा करते थे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा करते थे उसके अलावा शेक्सपियर जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जो सबसे पहली बार उन्होंने ही अपने प्लेज में जो है वो यूज़ किए उसके अलावा उनका जो लास्ट प्ले है उनके लास्ट प्लेज में से एक प्ले है जिसका नाम है एक ट्रैजिक कॉमेडी है ठीक है और उसका नाम है द टेम्पस्ट और उस द टेम्पस्ट में जो एक सीन आता है जिसमें जो करेक्टर है वो अपनी सारी चीज़ें अपनी बुक्स वगैरह जो है उनको थ्रो कर देता है तो वो लोग कहते हैं कि वो इस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है कि शेक्सपियर भी बेसिकली वॉज सेइंग गुड बाय टू राइटिंग्स ठीक है और शेक्सपियर जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कोटेड जो राइटर uh, हैं वो हैं उसके अलावा शेक्सपियर ने बहुत सारी जॉब्स की और आपको एक uh, बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात लगेगी कि शेक्सपियर ने इवन एक ऐसी जॉब भी की जिसमें शेक्सपियर जो हैं वो सिर्फ ड्रिंक करते थे और वो ड्रिंक करने के पैसे लिया करते थे शेक्सपियर के जो फादर हैं वो एक ग्लव मेकर थे और शेक्सपियर जो हैं वो फाइनेंशली uh, जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ठीक है और uh, शेक्सपियर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितने भी पोर्ट्रेट्स वग़ैरह हमें शेक्सपियर के मिलते हैं उनमें से कोई भी ओरिजिनल नहीं है उनमें से सिर्फ एक पोर्ट्रेट ऐसा है जो कि शेक्सपियर की लाइफ में जो है वो बनाया गया था जब शेक्सपियर जो है वो ज़िंदा थे ठीक है उसके अलावा शेक्सपियर uh, के बारे में यह भी कहा जाता है कि शेक्सपियर uh, ने uh, जब प्लेज को लिखा या शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड था उसमें ऐसा हुआ करता था के जो वमेन्स थीं उनको अलाउ नहीं था कि वो जो है वो स्टेज पर परफॉर्मेंसेस दे सकें उसके अलावा शेक्सपियर ने अपनी जो भी आ, आ, राइटिंग्स हैं उनमें जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स शेक्सपियर ने दिखाई हैं उन सब में क्या है कि शेक्सपियर कि जो वुमेन है जो फीमेल करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो दिखाई गई है और बहुत ज़्यादा करेजियस जो है वो दिखाई गई है ठीक है उसकी बहुत सारे प्लेज में आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगी फॉर एग्जांपल और थैलो की मैंने पहले एग्जांपल दी तो मैं दोबारा भी आपको उसी की दे देती हूँ उसमें जो डस्डमोना दिखाई गई है शी वॉज सो ब्रेव एंड शी वॉज सो करेजियस ठीक है और आ, उसके अलावा शेक्सपियर जो है वो शेक्सपियर का एक प्ले है मिकमित उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब लिखा गया तो उस वक्त कोई जो है वो यू नो अनसीन क्रिएचर्स या इस तरह की जो चीज़ें थी वो मकबत को लिखते हुए जो है वो मौजूद थी और इवन ये भी कहा जाता है कि मकबत का नाम जब ये थिएटर्स में परफॉर्म किया जा रहा था तो उस वक्त भी लोगों ने मिकबत का नाम मुँह से नहीं बोला कि कोई क्रिएचर जो है उनको हार ना कर दे और मकबित जो है वो किंगयर को जो सॉरी जो, जो यहाँ पर एक किंग हुआ करते थे उनको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था ठीक है और इब्राहम लिंकन को जो है वो बहुत ज़्यादा उनका जो प्ले पसंद है वो मिकबित है और इब्राहम लिंकन ही का करैक्टर जो है वो एक करैक्टर ने मिकबित के अंदर जो है वो परफॉर्म किया था ठीक है उसके अलावा शेक्सपियर जो है उनका जो रोमियो एंड जूलियट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परफॉर्म किया गया है और उसको टीवी के लिए बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो कॉपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई और बहुत ज़्यादा उनका जो आ, एक प्ले ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस किया गया बार बार ठीक है और शेक्सपियर के जो प्लेज़ हैं उनको मोर देन हंड्रेड लैंग्वेज़ के अंदर जो है वो ट्रांसलेट किया जा चुका है ठीक है और शेक्सपियर जो है वो सबसे ज़्यादा जो पढ़े जाने वाले राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के उनमें से एक राइटर जो है वो माने जाते हैं तो ये कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए आई होप ये फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आई uh, होप कि आपने इनको इंजॉय किया होगा इस तरह की मजीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आई विल श्योरली मेक फॉर यू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल